ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी में बहुत इंस्पायर किया हुआ होता है, उन फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया होता है आपको फिल्म मेकर बनाने में। मेरे ख्याल से जुनून वो फिल्म है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है एज ए स्टोरी टेलर एंड अ फिल्म मेकर। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन इन हिंदी सिनेमा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दैट आई हैव सीन इन हिंदी सिनेमा। वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट इन एनी कैपेसिटी एंड आई वुड वॉन्ट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल अल्टीमेटली टू सी अ मूवी लाइक दिस like Junoon, which has immense significance and immense entertainment value to cinema and to life as such. बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, मतलब बहुत मिस कर रहा था मैं। हम लोग शूट कर रहे थे शिमला में तो आ नहीं पाए थे, तो अभी वापस हैं सिनेमा में और इतने जब फिल्म फैंस हैं फिल्म लवर्स हैं उनके बीच में यहाँ पे आके इट्स ग्रेट। वर्ल्ड वाइड सिनेमा दिखाया जाता है जो हम वैसे नहीं देख पाते हैं अमूमन, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हम बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका मिलता है हमें। और कुछ बहुत ही जो ग्रेट डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड सिनेमा के उनकी फिल्म आती हैं, तो बहुत ही आई थिंक अच्छा प्लेटफॉर्म है एक फिल्म लवर के लिए। बहुत खुशी है कि दोबारा ये फेस्टिवल हुआ है और ये हमारी सारी फिल्में उसमें दिखाई जा रही हैं और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन फिल्मों के लिए जो आमतौर पे जिन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है थिएटर में आने की, और थिएटर्स में आ पाती हैं तो उन्हें स्क्रीन्स मिलने की मुश्किल होती है क्योंकि कोई 200 करोड़ की फिल्म उसके सर पे आके बैठ जाती है तो छोटी फिल्में अक्सर दब जाती हैं इसमें। जैसा कि आँखों देखी फिल्म जो बहुत ही बेहतरीन थी उसके साथ हुआ और कई फिल्मों के साथ हुआ, तो ये कम से कम मामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नौजवान फिल्म मेकर्स और वो फिल्में जो मेन स्ट्रीम नहीं हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। और बेहद खुशी है कि जुनून की स्क्रीनिंग आज यहाँ हो रही है। शशि साहब का इरादा ही ये था कि वो ऐसी फिल्में बना सकें जब उन्होंने फिल्म वालास कंपनी शुरू की थी जो कमर्शियल भी हों और यादगार भी रहें,